यासुस का मदरबोर्ड है, और इसको ऑन करके देखते हैं क्या इशू है। इसमें लाइट तो जल गया, और यहाँ ट्रिगर करके देखते हैं। फ्रंट पैनल ये है, आप देख सकते हैं इसके पीस बैक पे। ये आपको देखिए यहाँ पे E0 डेटा बना रहा है, और इसमें कोई मुझे हिसाब से कोई इशू नहीं है। तो वह लगा देखते हैं रैम को क्या इशू बता रहा है, तो रैम लगाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। कोई भी आपको किसी भी मदरबोर्ड, किसी भी टाइप का मदरबोर्ड हो, आपको इशू आता है नोट डिस्प्ले या कोई और अगर आता है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो TRCTech के नाम से सर्च करके। तो मैं आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो, या मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे पिक ले सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी आपको हो तो आप कॉल करके मुझे 24x7 कर सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, या आप मॉर्निंग 6 AM to 10 PM तक आप कॉल कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, या मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, तो हमारे चैनल से नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और ऑल पे क्लिक बेल आइकन हिट कर लो ऑल पे, जो कि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। यार मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्निकल जानकारी है, तो उसी को आपको साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ और करता रहता हूँ डे बाय डे, कि आपकी भी नॉलेज मेरे साथ साथ आप भी इम्प्रूव हो। क्योंकि अकेले ज्ञानी बनने से अच्छा है सबके साथ बेवकूफ़ बन जाओ, तो मेरा ये ओपिनियन है। तो मैं इसी मेथड पे काम करता हूँ। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले अभी आ जाएगा, डिस्प्ले भी आ चुका है आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ फैन लगा लेते, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि E4 का CPU है तो जल्दी ओवर हीट हो जाता है। तो एक बार लगाते हैं, और उसके बाद से वो चेक चेक करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये दो एनालाइज़र हो तो बेटर, नहीं तो ये वाला एनालाइज़र जिसमें आपको डेटा पता चल जाए कि डेटा बन रहा है मदरबोर्ड में, नहीं तभी आपको उस पर काम करना है, मेहनत करना है। साइट पे जा रहे हो, किसी साइट पे विजिट करके आप देख रहे हो, या किसी बैंक ब्रांच में विजिट कर रहे हो, किसी भी कंपनी में जा रहे हो आप कॉल पे, तो आपका डुअल विजिट ना हो, आपका रिस्पांस अच्छा हो, आपकी क्लोज़र ज़्यादा हो, तो ये सब आप इसके सहायता से ही आप इम्प्रूव कर सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी USB काम नहीं कर रहा, तो एक बार रिस्टार्ट करके देख लेते हैं। रिस्टार्ट किया, USB को देखते हैं। तो यहाँ पे रिस्टार्ट करने के बाद इसमें प्रॉब्लम आ गया। देखिए, रिस्टार्ट किया था मैंने, और ये D4 पे आ गया है। कोई कैपेसिटर आपको देखना है ध्यान से, कोई फिजिकली यहाँ पे स्वेलिंग नहीं होना चाहिए, इसमें फुला नहीं होना चाहिए, यूँ कहें तो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ गया, थोड़ा लेट आया, रिस्टार्ट हो चुका है और डिस्प्ले भी आ गई है, और USB भी काम कर रहा है। देखो, आप ध्यान से देखोगे तो USB भी यहाँ पर काम कर रहा है, LED नंबर लॉक वाली। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ F2 प्रेस किया तो वहाँ पर आ गया। ये तो मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है, और ये यहाँ पे लगा रखा है, तो भी कभी काफ़ी रायता फैल रखा है मेरे पास देखिए यहाँ पे। और सबसे पहले आपको भी क्या करना है, बेसिक टेस्टिंग बताता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी मदरबोर्ड नो डिस्प्ले में डेट एंड टाइम का इशू हो, डेट एंड टाइम का, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको 20V पर मल्टीमीटर का रेंज रखना है। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और SMPS भी आप क्रॉस चेक कर लो स्टेप बाई स्टेप। तो फिलहाल मैं इसको CMOS बैटरी को वोल्टेज चेक करता हूँ, तो बैटरी का वोल्टेज सही है, 2.8 चल जाएगा। तो इस यानी कि मदरबोर्ड हमारा ये फाउंड ओके है, P5LD2-VMS का मदरबोर्ड ASUS का, पुराना है DDR2 में। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये कार्ड आपको बहुत हेल्प करेगा, तो आप कार्ड आप ले लेना। अगर ये रीसेट नहीं बना तो आप CPU चेंज करो, VRM सेक्शन को क्लीन करो, तो ये रीसेट बनने के बाद ही CPU चेंज करके देखो तो डाटा बन जाता है। कैप नहीं फुला होना चाहिए आपका कोई भी कैपेसिटर। ठीक है, रस्ट नहीं होना चाहिए, रस्ट हो थोड़ा सा ISO से क्लीन कर लो। जैसे मेरे पास हाई टेक का देखो सिलिक PCB क्लीनर है, तो यहाँ ये ऐसा आप रखो थोड़ा सा बोतल में छोटा सा, तो आप इसे क्लीन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।